पहुंच गए हम लोकेशन पे, और हमारे पास ये थोड़ा यहाँ पे सीधा रोड है, इतना ही रोड है हमारे सबसे नज़दीक में, इतना ही है जो सबसे सीधा रोड यहाँ पे मिलता है हमको। तो यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम एफ़ जी 250 और ड्यूक 250 के बीच में। और ये सेम सेगमेंट की बाइक है, यामा की तरफ से आती है और ये KTM की तरफ से आती है, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ। रेट का डिफरेंस है, रेट के डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस इसके फीचर्स में भी आ जाता है, लेकिन पावर वाइज ये भी आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। और बजट में सबसे बेस्ट 250 cc की बाइक आपको मैं बोल सकता हूँ इसको। और ये आपको ऑन रोड अब तो 2.5 लाख से भी ऊपर पड़ जाती है, और ये आपको 2 लाख के अंडर ही आपको पूरी ऑन रोड मिल जाएगी अगर आप कैश पे लेते हैं तो। तो इसमें आती है हमारी 30 bhp और 24 nm का टॉर्क आता है, और इसमें 20 nm का ही टॉर्क आता है और 20 nm का ही bhp आती है अपनी इंजन की। तो यही पावर की स्पेसिफिकेशन है। और इसका वेट आता है 169 kg ड्राई वेट, और एफ जी का ड्राई वेट आता है 159 kg आता है, तो 10 kg का फ़र्क है। और अब आपको थोड़ा सा इसकी आवाज़ सुनाते हैं। वैसे मैंने डीबी किलर निकाला हुआ है इसके एग्जॉस्ट का, ये देखिए एग्जॉस्ट मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का एग्जॉस्ट है एक्चुअली, मेरा तो स्टॉक ही है। तो आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो ये थी ड्यूक 250 की आवाज़ BS6 की, और अब आपको सुनाते हैं FZ 250 की आवाज़। इसकी स्टॉक में बहुत अच्छी आवाज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी और डोमिनार 250 की ऑलमोस्ट सेम आवाज़ आती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी बेसी साउंड है, ये थी अपनी FZ 250 की आवाज़। दोनों बाइक सिंगल सिलेंडर है आप लोगों को पता ही है, और ये आती है ऑयल कूलिंग के साथ। यामा का जो ऑयल कूलिंग है बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है यामा ने इंजन को, बहुत रिफाइंड इंजन है और पावर की भी कोई कमी नहीं है। नंबर्स के ऊपर नहीं जाना है कभी इस बाइक के, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि नंबर्स के ऊपर इस बाइक के जाएंगे आप तो आप इसको अंडर एस्टिमेट ही करेंगे हमेशा। 0 to 100 बहुत फास्ट है, और KTM है ये, लिक्विड कूल इंजन है KTM का 250 cc, और जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और बाकी दोनों ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, इसमें थोड़ा आपको सुपर मोटो मिल जाएगा, ABS ऑफ़ करने का ऑप्शन भी है, इसमें आपको ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और बाकी इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, इसका मीटर बहुत अच्छा मिलता है, छोटा मीटर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए इधर गियर्स का बता देगा, टेम्परेचर का बता देगा, ABS का मोड्स भी इधर से हो जाते हैं, साइड स्टैंड सेंसर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसका मीटर बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि इसके ऑनर भी बोलते हैं कि उसको सबसे कम मतलब सबसे बड़ी कमी जो इस बाइक के अंदर दिखती है उसका मीटर है, जो आपको दिखेगा नहीं दिन के टाइम पे। तो बाकी इसमें इंडिकेटर हैलोजन में ही आते हैं वैसे तो स्टॉक, लेकिन यामा ने बहुत अच्छा काम किया है कि LED इंडिकेटर को एज ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं यामा वाले। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बोलेंगे आप नेट पर सर्च कर ही सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन FZ की बहुत कम वीडियोज़ यूट्यूब पर मिलती है, जैसा कि इसका ऑनर भी बोलता है कि मेरी बाइक की बहुत कम वीडियोज़ है यूट्यूब पर। तो इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेके आने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ड्रैग करते हैं, थोड़ी इसकी ड्रैग रेस कंपैरिजन करते हैं पावर का, तो मिलते हैं आपसे अब 100। तो गाइस अभी वैसे तो हम पहले से सामने वाली साइड से इस साइड के लिए करेंगे थोड़ा, क्योंकि रोड ज़्यादा क्लियर दिखता है, लेकिन चलो परे जा रहे हैं तो यहीं से थोड़ा सा ट्रायल भी कर लेते हैं इसी बहाने। 3 हॉर्न पे पावर भी नहीं लग गई गाइस, थोड़ा लॉन्च में प्रॉब्लम हो गई थी और अनकंट्रोल हो गया था, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो पाया कि नहीं हो पाया, लेकिन ये बिजली हो गई थी थोड़ी सी। ये छोटा सा था रहने, इस बार लॉन्च तब भी ठीक था थोड़ा सा।
है जैसा कि आपने रिजल्ट देखा होगा। तो इसको हम ड्रैग रेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 0 to 100 ड्रैग, हाँ इनिशियल ड्रैग बोल सकते हैं। तो उसमें सभी को पता है कि KTM का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हाँ फर्स्ट गियर इसके थर्ड सेकंड गियर में बहुत ज़्यादा पावर है जो BS6 मॉडल से इसके, हालांकि FG में भी बहुत ज़्यादा टॉर्क है जो नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन वो फील बहुत ज़्यादा होता है। तो राइडर एक्सचेंज करेंगे अभी, तो अभी देखते हैं राइडर चेंज करने से क्या डिफरेंस पड़ता है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हालांकि हमारे पास सीधे रोड बहुत कम है गाइस, तो इसमें ट्रैक प्रॉपर तो नहीं हो पाती है, पर हाँ एक छोटा सा आपको फर्क पता चल जाएगा। ऊपर से इस रोड पे ट्रैफिक भी होता है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है पहले। रुक जा, गाड़ी आ रही। पुलिस डिफरेंस राइडर चेंज करने के बाद। तो हालांकि अभी ये RN थोड़ा अभी अच्छे से लॉन्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादा गैप नहीं पड़ता है। FG में बहुत ज़्यादा पावर है, एक्चुअली ऐसे टॉर्क इसका बहुत अच्छा है, इनिशियल बहुत अच्छी जाती है, 0 to 100 बहुत अच्छी चलती है भाई। रन करेंगे और उस पर मैं दोबारा अपनी बाइक पे आऊंगा। तो गाइस अभी दोबारा देख सकते हो आप, RN लॉन्च नहीं कर पा रहा है मैं श्योर हूँ, क्योंकि इतना गैप तो नहीं बनता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकंड गियर में तो नहीं बन पाता है इतना गैप। तो गाइस ये फाइनल रन कर रहे हैं हम, और अब इसके बाद देखेंगे गैप कितना रहता है। परफेक्ट लॉन्च किया गाइस, ये परफेक्ट लॉन्च था, ऐसे करना लॉन्च। तो गाइस फाइनली शेखर भाई पे पहुंच चुके हैं, और अभी अपने ड्रैग रेस के लिए एक और एंगल शूट कर रहे हैं हम, इनको थोड़ा पीछे चलाएंगे और हम दोनों थोड़ा आगे चलेंगे मैं और RN। तो उसके बाद देखते हैं रिजल्ट। तो इस वाली को हम फाइनल बोलेंगे, इससे पहले मैंने वीडियो में रिकॉर्ड में बोल दिया था ये थी जो उसमें बोल दिया था कि ये फाइनल रन है, लेकिन हाँ ये वाला फाइनल रन होगा। अब तो गाइस ये था रिजल्ट अभी हमारी फाइनल रन का।
तो गाइस ये था इस बार फिर से फाइनल रन हमारा, और मज़ा आ रहा है बार बार ट्रैक करने में। तो फाइनल बोल के पता नहीं कितनी बार कर दिया है, और यहाँ शेखर भाई पीटी की ट्राई कर रहे हैं। इस बाइक की मुझे एक और फर्क है जो गाइस पता लगा है अभी, इसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं गियर, बहुत कम कम देर में इसमें बहुत जल्दी शिफ्ट मांगता है। गाइज ये था एक कंपैरिजन छोटा सा हमने जो रखा था अपने चैनल पे, और मेरे बहुत टाइम से इच्छा थी कि ड्यूक 250 के साथ एफजी 250 का कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि इस बाइक को मैं मानता हूँ बहुत टाइम से, कि मैं बहुत पहले से इस बात को बोलता हूँ कि इससे पहले BS3 मॉडल भी मेरे एक फ्रेंड के पास है, BS4 मॉडल सॉरी 250 का FZ, तो मैं उस टाइम से ये बात बोलना चाहता था बहुत सारे लोगों को कि इस बाइक को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है ड्रैग्स में और कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, इसको ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह भी भाव नहीं देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये बाइक अपने रेट के हिसाब से इतना जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को, और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी यामा की बिल्ड क्वालिटी है, और इसमें पावर की भी कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी, और जो आपको जिस प्राइस रेंज पे ये मिलती है उसके हिसाब से तो ये बाइक बेस्ट ऑप्शन है, MT से बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मैं इसको बोलूँगा। हाँ, 6 गियर आते हैं MT में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमको टॉर्च चाहिए होता है, क्योंकि हम जैसे कि माउंटेन वाले रोड हैं हमारे, पहाड़ी रास्ते हैं, तो हमको इन रोड पे अगर ड्रैग करनी है या फिर हमको इस रोड पे भगानी है, फुल राइडिंग करनी है अच्छे वाली, तो हमको टॉर्च चाहिए होती है, और बाइक की 0 to 100 फास्ट होनी चाहिए, टॉप एंड की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे भी टॉप एंड को रोज़ तो कोई भगाता नहीं है कोई भी, तो इस बाइक को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो यही मैं बोलना चाहता था, इसीलिए मैं इस वीडियो बाइक की वीडियो बनाना चाहता था बहुत टाइम से, और तो आप लोग ज़रूर सोचें इस बाइक के बारे में। बाकी ये छोटा सा कंपेरिजन था ड्यूक 250 के साथ, आप लोग कमेंट कीजिए अगर डोमिनार 250 भी हमारे एक फ्रेंड के पास है, डोमिनार 250 के साथ भी इसका कंपैरिजन करके दिखाना चाहता हूँ मैं, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डोमिनार के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, और तीनों डोमिनार और FZ और ड्यूक 250 का भी कंपैरिजन मैं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि 250 सेगमेंट की हमारे पास बहुत सारी बाइक्स हैं, इसका FZ का हमारे पास BS4 मॉडल भी है पुराने वाला, एक ही FZS है, और ड्यूक 250 का BS4 भी हम अरेंज कर लेंगे, BS6 हमारे पास एक और है नए वाली, ये जो मेरे पास है BS6, इसका हेलोजन लाइट में आता था, ये हेलोजन लाइट वाली आती थी, तो हमारे पास अब LED वाली भी आती है, जो ड्यूक 250 चेंज हो गई थी, अर्ली BS6 मॉडल है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, हमारे फ्रेंड के पास है, तो जो आप लोग की डिमांड करोगे वो हम लेके आएंगे ज़रूर। और FZ की अगर और वीडियोस चाहिए तो आरन का इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, पीपल कॉल मी साइको राइडर, ये देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम ID लिखी हुई है, और बाकी अब यूट्यूब पे भी आएंगे बहुत जल्दी, और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।